इस टाइम टमाटर बहुत महंगा है। इधर दिखाओ, 200 रुपए किलो वाला आज टमाटर लेके आया हूँ, इसको खाए हैं हम। अब महंगा हो चाहे सस्ता हो, खाना है तो रोज लाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी लग रही हैं सब। हम सबको लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, बट सब लोग बोलते हैं कि एक ही टाइम चारा देना चाहिए, और यहाँ पे इन सबका चारा है। इसमें से बस थोड़ा सा लूँगी, एक चुटकी, अभी देखिएगा सब जुटी हैं। देखिए आप लोग कितनी प्यारी मछलियाँ लग रही हैं। और अब चलते हैं सीधा किचन में, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, और हम दिखाते हैं आप लोगों को भटूरे का डो कैसे तैयार करते हैं। मम्मी यहाँ भटूरे का आटा तैयार करने के लिए हम दिखा रहे हैं। पहले तो आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैदा है और फिर क्या डालेंगे? नमक। नमक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोडा है, और यहाँ पे सूजी, इसको मिला दी। इतना सफेद हो गया। इसे मैदा गूंथने में अच्छा लगता है, आटा से ज्यादा अच्छा मैदा गूंथने में लगता है। ये तुम लाएंगे ना चेहरा का फोटो ले इको, अपना लगी हुई है भटूरे का डो तैयार करने के लिए। पहली बात तो भागीरथ को भी यहाँ पे रखी है अपने साथ में। मैं सोची प्यास व्यास लगेगी तो पी लेंगे ही साथ में। आटा भी गूंथ लेंगे पानी में। हाँ वही। तो अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ना। अब इसको 3 से 4 घंटे तक ढक के छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर दिखाएंगे आप लोगों को। चिकना हो गया एकदम आटा, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मटर भी बोया गया है, जो कि मटर भी बहुत ज़्यादा हो गई, मटर ज़्यादा हो गई है। चलो जो बनेगा उसको बनाना और रख देना। मटर भी ज़्यादा हो गई है, और अब हम चलते हैं मटर को रख देखते हैं उबालने के लिए। मैं डालने जा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मटर उबालने के लिए। पहले इसको उबालेंगे, उसके बाद बनाएंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसमें सोडा भी डालेंगी ना मम्मी, सोडा की डालेंगे। अरे उसमें आ गया, चलो हो गया। इसमें मैं सोडा डाल रही हूँ थोड़ा सा, सोडा से जल्दी से हो जाता है। अब इसको दूध भी गर्म करना है क्या? दूध है, मिलते हैं सीधा मटर उबल जाने के बाद। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं छोले की रेसिपी मैं जा रही हूँ शेयर करने आप लोगों से। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। यहाँ पे 3 से 4 प्याज, और यहाँ पे धनिया, एंड यहाँ पे टमाटर, यहाँ पे तेज़पत्ता है, और लाल मिर्च, यहाँ पे हरी मिर्च है, एंड यहाँ पे अदरक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो मटर उबाली थी वो मटर है, क्योंकि पूरी तरह से एकदम हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। एंड चलते हैं बनाते हैं। 2 से 3 चम्मच सबसे पहले जीरा हम डालेंगे इसमें,
आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसमें गरम मसाला कुछ ऐड करेंगे, इसमें मिर्च है, इलायची है ये, और इसमें प्याज डालेंगे, अदरक एंड प्याज, फिर इसमें मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च, दो से तीन हरी मिर्च लिए हैं। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हाई फ्लेम पे कुछ टाइम के लिए पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। एंड तब तक आप लोग देख सकते हैं मेरा ये में खोलें, इसका डो तैयार हो गया है, जो कि मैं बोली थी 3 से 4 घंटे रेस्ट के लिए इसको छोड़ने के। आप लोग देख सकते हैं एकदम मस्त हो गया है, एकदम खिल गया है, बहुत अच्छा हुआ। देख सकते हैं मैं हींग डालना भूल गई, मम्मी डालने जा रही हैं, थोड़ा सा ऑर्डर हींग से टेस्ट अच्छा आता है, डाल दीजिए। इसको फिर से मिक्स करेंगे एक बार, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक से थोड़ा जल्दी हो जाता है, हल्का सा, जिससे टमाटर मेरा गल जाएगा, क्योंकि मैं टमाटर का पेस्ट नहीं बनाई हूँ। इसको फिर से मिक्स करेंगे और आप लोग देख सकते हैं इसका कलर एकदम रेड रेड हो गया। अब इसके बाद टमाटर डालेंगे इसमें, कि मैं टमाटर काट लेंगे, अब इसमें टमाटर डालेंगे, अभी और थोड़ा नहीं नहीं डालिए टमाटर, टमाटर में काट लें क्योंकि टमाटर गल जाता है, इसलिए मैं पेस्ट नहीं बनाए हैं। और इस टाइम आप लोगों को पता ही होगा कि टमाटर का दाम कितना अच्छा खासा चल रहा है। इसको भी चला दीजिए, इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, ढक के फिर इसको खोलेंगे, फिर से एक बार चलाएंगे, इसमें चलाएंगे और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे तीखा नहीं बस टेस्ट आता है, थोड़ा सा डालेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, उसके साथ घर का गर्म मसाला है जो कि टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसमें डालेंगे मार्केट का गर्म मसाला और यहाँ पे है मेरा गोल्डी चाट मसाले, इसको डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे करके, फिर इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। एंड इसमें अब नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा तो डाले ही थे बट अच्छा था।
मसाले के साथ में पक जाएगा ये भी, तो अच्छा लगेगा टेस्ट। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे, ढक देंगे इसको। आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, क्योंकि जब तेल अगल बगल से छोड़ने लगता है तो समझ लो मसाला हो गया है। अब इसके बाद डालेंगे अपना मटर, और इसमें जैसा कि मैं बोली थी 2 से 3 आलू मैं बॉईल की थी, आलू के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से आलू भी मैं डाल रही हूँ। आलू को भी 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अब जैसा कि 2 मिनट हो गया, आलू भी अच्छी तरह से हो गया है, अब डालेंगे इसमें बॉईल किए हुए मटर। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना चाहिए होगा। कुछ लोग सूखा पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा गीला पसंद करते हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये ठीक लग रहा है भटूरे के साथ में। कितने लोग हैं? हाँ 5 लोग हैं, फिर भी ज़्यादा हो गया है। पानी और डालेंगे, थोड़ा सा बस डालेंगे पकने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब इसको पकाएंगे, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई रखती हूँ, जो कि जिसमें मीठा तेल है, रिफाइंड ऑयल है, एंड अब भटूरे ले जा रही है, फिर मिलते हैं सीधा। लोग देख सकते हैं एकदम खिला खिला भटूरे हैं, जो कि एकदम फूल गए हैं, एकदम मस्त से हो रहे हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे करते हैं। अरे हो गया ना, इसको इसमें सर्व बेलन की सहायता से बेलेंगे, एंड अब इसको कढ़ाई में डालेंगे। इसको कढ़ाई में डालेंगे, फिर इसे पलटे की सहायता से धीरे धीरे इसको चलाएंगे, टच करेंगे, ताकि खिला खिला हुए भटूरे। और यहाँ पे भटूरे भी बन के हो गए रेडी, और हमारा छोला भी हो गया। चाट कितना अच्छा हो गया, छोला गर्मा गर्म, छोले एंड भटूरे। चलाइए यहाँ पे छोला भी बन के हो गया रेडी। अब इसमें धनिया डालेंगे, बारीक काटी हुई धनिया, इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हमारा बन के हो गया रेडी, अब इसे हम सर्व करेंगे थाली में, फिर दिखाते हैं। थाली में सर्व करेंगे गर्मा गर्म छोला। इसके ऊपर से धनिया डालेंगे, जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, एंड खाने में भी एकदम लाजवाब है। और इसके साथ लेंगे प्याज और नींबू, हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे भटूरे। और हम स्पेशल थाली अपने पति देव के लिए लगा दिए हैं, जो कि अभी आए हैं, जस्ट थके हुए थे, तो हम सोचे हैं कि छोले भटूरे एक साथ इनका स्वागत करें। एंड अब इसका टेस्ट यही बताएंगे कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। अरे अभी नहा के आ गए हैं और कुछ बनाई हूँ आपके लिए। अरे वीडियो शूट कर रही हो क्या? जी आज आप नहीं थे तो सोची मैं ही शूट कर लूँ। बेड पे नहीं खाएंगे ना? हाँ बेड पे नहीं खाएंगे। हाँ टेस्ट करिए, और इसका टेस्ट अब यही बताएंगे, नींबू प्याज के साथ और हरी मिर्च। हरी मिर्च खाते हैं? अच्छा लग रहा है, मस्त बना है, बहुत जबरदस्त बना है। तो आज की वीडियो मार्केट से भी अच्छा टेस्ट है। तो आज की वीडियो आप यहीं पे मूव करिए। 200 रुपए वाला किलो टमाटर लाया हूँ। पड़ा है इस टाइम टमाटर बहुत महंगा है। इधर दिखाओ, 200 रुपए किलो वाला आज टमाटर लेके आया हूँ, इसको खाए हैं हम। अब महंगा हो चाहे सस्ता हो, खाना है तो रोज लाना पड़ेगा। तो थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, पहले कभी
पहले होता था कि 2 किलो मिल जाए तो लेते आओ, 2 किलो लेते आओ, 1 किलो लेते आओ। अरे तो इस टाइम थोड़ा भाव इसका बढ़ गया है ना, वीडियो में देख ही रहे ना। टमाटर हमारी तरफ है 200 रुपए किलो, जो है शिमला मिर्च भी है। तो उसको टमाटर को कोई हाथ लगा रहा तो टमाटर बोला अरे आ गया है कोई अमीर घर से इसको लेने के लिए। तो आज की वीडियो में भी मूव करिए, आप मूव करिए। अब स्टार्ट मैं की हूँ तो आप, अरे थोड़ा मूव कर दीजिए, स्टार्ट मैं की हूँ तो मूव करिए। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पूरा काम पूरा शूट इसने किया है, मेरी लाइफ मेरी वाइफ के लिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग नए वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।